बड़ी ई कॉमर्स कंपनियों के बढ़ते डिजिटल एकाधिकार को रोकने के लिए सरकार उठाएगी आवश्यक कदम। भारतीय बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए सरकार अब कर रही है तैयारी। एक नए नियम के जरिए सरकार अब लोकल मैन्युफैक्चरर्स और छोटी कंपनियों को देगी बराबरी का अवसर। नमस्कार, TFI पर आपका स्वागत है और मैं दीक्षा नेगी आपको बताऊंगी कि कैसे अब भारत सरकार द्वारा कुछ ऐसे नियम लाए जा रहे हैं जो ई कॉमर्स के क्षेत्र में बड़े बदलावों के वाहक बनेंगे। भारत में बड़ी ई कॉमर्स कंपनियों के बढ़ते डिजिटल एकाधिकार को रोकने और भारतीय बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए सरकार अब तैयारी कर रही है। अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों द्वारा लोकल बिजनेस को तबाह करने से रोकने के लिए मोदी सरकार एक ई कॉमर्स नियम बना रही है, जिससे न सिर्फ स्थानीय स्टार्टअप्स को सहायता मिलेगी बल्कि ये कंपनियां अपनी लागत बढ़ाकर Amazon.com Inc. और Walmart की Flipkart जैसी ई कॉमर्स कंपनियों पर विस्तार कर सकेंगी। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार ई कॉमर्स पॉलिसी नामक ये ड्राफ्ट नियम ऑनलाइन खुदरा विक्रेताओं के लिए एक आचार संहिता तैयार करने और यूजर्स के डेटा का क्रॉस बॉर्डर फ्लो परिभाषित करने का प्रयास करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा ये नियम छोटे खुदरा विक्रेताओं की शिकायतों के कारण लाया जा रहा है। बता दें कि भारत में अनुमानित $1 ट्रिलियन का रिटेल बाजार है, जिसमें अब अमेज़न और वॉलमार्ट के स्वामित्व वाली फ्लिपकार्ट का प्रभुत्व बढ़ता ही जा रहा है। इस प्रभुत्व के कारण छोटे स्टार्टअप्स को न सिर्फ ऊपर उठने में परेशानी हो रही है बल्कि उनका बिजनेस भी तबाह हो रहा है। यही कारण है कि इन बड़े ई कॉमर्स के प्रभुत्व को कम करने के लिए नियम तैयार किए गए हैं। इन प्रस्तावों में उन कानूनों को लाया गया है जो कि इन दोनों अमेरिकी कंपनियों को भारी छूट देने से रोकते हैं तथा इन कंपनियों को उनके पसंदीदा विक्रेताओं के साथ विशेष डील करने से भी रोकते हैं। यानी अगर अमेज़न किसी खास विक्रेता के साथ डील कर लेता है तो बार बार उसे ही प्रमोट करता है, जिसके कारण अन्य विक्रेताओं को एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल पाता। अब नए नियमों के बाद ऐसा नहीं होगा। यही नहीं, ये कानून अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों को उन व्यापारियों में निवेश करने से रोकेगा जो किसी उत्पाद को अपनी वेबसाइट पर बेचते हैं। साथ ही इस नोट में कहा गया कि नई व्यापक ई कॉमर्स नीति विकास को संबोधित करेगी और प्रचलित बाजार विकृतियों को कम करने का लक्ष्य रखेगी। शनिवार को एक बैठक में विभिन्न मंत्रालयों के अधिकारियों द्वारा इस 9 पन्नों के डॉक्यूमेंट पर चर्चा की गई, जिसे भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने उद्योग और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए बुलाया था। इन प्रस्तावित नियमों में ये सुनिश्चित किया जाएगा कि ई रिटेलरों द्वारा बनाए गए एल्गोरिदम विक्रेताओं के साथ भेदभाव न करें। इस नियम के अनुसार अमेज़न और वॉलमार्ट सहित कंपनियों के सहयोगी भी इन्हीं ई कॉमर्स नियमों द्वारा रेगुलेट होंगे। ड्राफ्ट में बताया गया है कि इंटरनेट के भारी उपयोग से इस क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ है, जिसके कारण कई नियामक चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। जैसे विक्रेताओं के लिए खेल के मैदान को एक स्तर का बनाए रखना जिससे सभी को बराबरी का मौका मिले, एकाधिकार की प्रवृत्ति से प्रभावित होना तथा जनता के सामने मुक्त विकल्प देना और छोटे खुदरा व्यापारी सेगमेंट के लिए व्यापार का नुकसान। ई कॉमर्स नीति का ये ड्राफ्ट सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में 1 साल से अधिक समय से चर्चा में है। सरकार यह भी सुनिश्चित करना चाहती है कि भारत से निकलने वाला डेटा पहले स्थानीय संस्थाओं या विक्रेताओं या रिटेलर्स के लिए हो। जिन सुरक्षा उपायों पर विचार किया जा रहा है उनमें से भारतीय उपयोगकर्ताओं के डेटा की क्रॉस बॉर्डर फ्लो को नियंत्रित करना और ऑडिट करना भी है। नोट के अनुसार सुरक्षा उपायों के उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा और भारी दंड भी हो सकता है। यानी स्पष्ट है कि सरकार अब देशी स्टार्टअप्स को अधिक मौका देने के लिए यह नियम ला रही है, जिससे न सिर्फ छोटे विक्रेताओं को फायदा होगा बल्कि यूजर्स को भी अधिक विकल्प मिलेंगे। आज मोबाइल और इंटरनेट एक आवश्यकता है और इसके बगैर जीवन की कल्पना करना नामुमकिन है। इसीलिए अब सरकार ये कोशिश कर रही है कि छोटे व्यापारी या विक्रेता भी अपनी उपस्थिति इंटरनेट पर बढ़ाएं, जिससे उनके लिए एक नया द्वार खुले तथा अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों का एक अधिकार भी समाप्त हो सके।